नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को रोकने मध्य प्रदेश में जुआ एक्ट का दायरा बढ़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग को लेकर 3 महीने में पॉलिसी बनाने का काम मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी। वहीं जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखा है। ओबीसी मामले पर अंतिम सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट ने पहले दिया अपना अंतरिम आदेश जारी रखते हुए आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में दायर याचिकाओं पर मंगलवार यानी आज भी सुनवाई होगी। इस दौरान प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को दिए जा रहे 10% EWS आरक्षण का उदाहरण दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार ने 103वें संवैधानिक संशोधन से 50% आरक्षण सीमा को खत्म कर दिया है, क्योंकि SC ST OBC आरक्षण में 10% EWS आरक्षण मिलाने पर कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा होता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि जब EWS के लिए आरक्षण की सीमा 50% के पार हो सकती है, तो OBC आरक्षण के लिए भी आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा रखने पर गुरेज नहीं होना चाहिए या OBC आरक्षण का फैसला संवैधानिक पीठ को सौंप देना चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि EWS आरक्षण का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा हाई कोर्ट EWS आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेगी। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।